मुझे लगता है आप ही कंटेंट क्रिएट करते होंगे एंड आपको भी अपने चैनल के लिए, अपने पेज के लिए इंट्रो वीडियो चाहिए होगी। तो वही चीज़ आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि इंट्रो कैसे शूट करें फ़ोन से, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला सीन जिसके अंदर ही अगर मैं, मेरे हाथ में होगा कैमरा, इसमें फ़ोटो नहीं क्लिक करूँगा, जस्ट कैमरा को पकड़ के मैं चलता रहूँगा एंड जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे भाई, ये मेरे पीछे, मतलब मेरी पीठ होगी इनकी तरफ। तो ये वाला शॉट कैसे लेना है वो आप अभी देखिए। इधर ही शॉट लेते हैं, पीछे से सन का इफेक्ट भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो जैसे मेरा कि फोटोग्राफी बेस्ड, एडिटिंग बेस्ड मेरा पेज है, तो मैंने सेकंड शॉट में अपने कैमरे का क्लोजअप शॉट्स लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोड चेंज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ का भाई क्लोजअप शॉट हमने निकालना है। तो यहाँ पर गाइस हमारे दो शॉट्स हो गए जी कंप्लीट। हमारा तीसरा शॉट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर रोटेटिंग शॉट लेना है। ऑर्बिट शॉट लेंगे, ऑर्बिट शॉट लेंगे, रोटेटिंग रोटेशन ऑर्बिट। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं कैमरा को ऐसे जैसे एक्टिंग कर रहा हूँ फोटोज़ को क्लिक करने की, फिर शॉट्स चेक कर रहा हूँ, फिर थोड़ी बहुत सी फ्रेमिंग चेक कर रहा हूँ, मतलब कैमरा के साथ खेल रहा हूँ, कैमरा को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड भाई क्या करेंगे, घूमते हुए ऐसे चक्कर लगाएंगे। हाँ से हम अल्ट्रा वाइड लेंस को चूज़ करने लगे हैं। लो जी अल्ट्रा वाइड लेंस, तो जितना ज़्यादा वाइड एंगल होगा घूमने में उतना ही बढ़िया फील आएगा। तो यहाँ पर हमने ना ग्रिड्स को भी ऑन कर लिया वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं, ताकि मैं सेंटर में रहूँ, क्योंकि भाई ने घूमना है भाई, तो कई बार ये नहीं पता लगता मैं साइड में इधर उधर चल जाता हूँ, तो वो चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि मैं सेंटर में ही रहूँ, इसलिए हमने ग्रिड्स को ऑन कर लिया। तो यहाँ पर कैसे हमने तीसरा शॉट भी निकाल दिया। अभी चौथा शॉट, उसके अंदर क्या करेंगे, फेक ड्रोन शॉट। तो जैसे कि ड्रोन नहीं है हमारे पास, मोनोपॉड गिम्बल फोन, तीनों का यूज़ करके ना बहुत ही बढ़िया ऊपर करके ऐसे ड्रोन शॉट लेंगे। मोनोपॉड जो ड्रोन का काम करेगा आज, तो इसके ऊपर फोन लगा देंगे अपना गिम्बल को। ठीक है, रेडी भाई? लो जी, इसकी हाइट बहुत ही बड़ी है एंड फोन के अंदर भी हम वाइड एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, वाइड एंगल से ऊपर से ऐसे करके शॉट लेंगे, वो आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं भाई पीछे आता हूं, क्या भी हाँ, भाई वहीं पर ही शॉट लेते हैं, वहीं पर ही। तो यहाँ पर हम दो शॉट लेंगे, एक फ्रंट में मैं चलता हुआ आऊंगा एंड दूसरा शॉट उल्टा चलता हुआ जाऊंगा। तो लो जी, वो आप देख सकते हैं, पूरा भाई ने ऊपर कर दिया। रेडी ब्रो, रेडी? चलो। तो फ्रंट वाला शॉट हो गया, अभी बैक शॉट, अभी भाई हो गए मेरे पीछे। तो गाइस जैसे हम कई बार चिप्स लेने जाए हैं, तो चिप्स को खोले बीच में से कोई फ्री चीज निकलती है ना, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे आज की वीडियो में एक फ्री की टिप मिलते रहते हैं आपको। कौन सा चिप्स भाई, कौन सा फ्लेवर ले इसका? वो चीटोस के अंदर निकलते होते हैं ना, छोटे होते निकलते होते थे, टैजो वगैरह चीजें निकलती होती थी। तो वही आज की वीडियो में एक टैजो निकला, एक गिफ्ट निकला, एक फ्री की टिप निकली आपके लिए। तो इसके अंदर क्या करें, हम एक और शॉट लेंगे, DSLR वाला शॉट, आईफोन का सिनेमैटिक मोड, और मेरे रियलमी के फोन के अंदर वो वाला मोड है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है, तो वो वाला मोड यूज करके एक शॉट और लेंगे। मैं चल कर जाऊंगा, मेरा क्लोजअप शॉट होगा जिसमें बैकग्राउंड होगी ब्लर। तो गाइस आपने देखे, हमने 4+1 5 शॉट्स निकाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉट्स आ गए हैं। एंड ये शॉट्स को कंबाइन करके जो फाइनल वीडियो बनेगी वो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, कितनी मस्त इंट्रो बनेगी। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को जरूर मिला होगा एंड आप भी जरूर ट्राई करना कि इंट्रोस कैसे शूट करें। एंड ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।